बारिश में जो है परेशानी तो सबको होती है, लेकिन परेशानियों में भी आप मुस्कुरा सकते हैं और फिर वो परेशानियां परेशानियां रहती नहीं। अब फालतू को ही देख लीजिए, छिपते छपाते जी हाँ कावड़ यात्रा इन दिनों वैसे ही चल रही है। सावन के मौसम में कैसे पहुंच गई है वो शिव जी की शरण में, और इस बीच उन्होंने भी जमकर मजा लिया मानसून का। फेवरेट मौसम में शूट करने का मौका मिले, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। चारों ओर हरियाली, धीमी धीमी बारिश और हाथों में गरम गरम चाय की प्याली हो तो काम करने का किसका मन करेगा। इट्स फन, मतलब धूप से तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है बारिश, क्योंकि धूप तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आई एम हैविंग फन। अच्छा वेदर भी है और अच्छा लोकेशन भी है। अपने फेवरेट मौसम में शूट करना ये तो एक ड्रीम कम ट्रू है। सो बारिश को देखते ही बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है, और फालतू यानी निहारिका चौकसी तो अभी भी अपने बचपन में ही है। तो जैसे ही फालतू ने नदी देखी, उसने तुरंत कागज की नाव बनाई और अपनी नाव को पानी में चलाने की कोशिश में लग गई। फालतू की नाव भी उसकी जिंदगी की तरह ही है, उसको भी समझ नहीं आ रहा कि कौन सी दिशा में जाया जाए। बहुत मजा आया, और मेरी बोट भले ही तहरी ना हो पर मैंने कोशिश पूरी की थी, तो उसके लिए गिव मी 100 मार्क्स। मोस्टली हम लोग स्कूल के बाद मस्ती करते थे, क्योंकि स्कूल जाते वक्त तो वी हैव टू बी प्रॉपर, बट आते वक्त कीचड़ उछाला एक दूसरे के ऊपर, देन वो पानी में छप 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 सब मुझे याद आ रहा है। एंड देन घर जाके हमेशा केचप के साथ मैगी खाती थी, डोंट जज मी फॉर दैट, बट आई लाइक केचप विद मैगी। पर्दे के पीछे तो फालतू जिंदगी के मजे ले रही है, लेकिन सीन में वो बाल बाल अपनी जान बचाकर इन गुंडों से भागी है। श्रावण के महीने में शिव जी ने फालतू पर अपनी कृपा दिखाई है, इसलिए तो देखिए इन यात्रियों ने फालतू की मदद की है और उसे सहारा दिया है। ये तो बहुत ही ज्यादा सीरियस है, ये लोग बिल्कुल भी ठीक लोग नहीं है, और फालतू को कहीं ना कहीं इसकी भनक हो गई और वो बस अपनी जान पर खेल गई और भाग गई बस वहाँ से। फालतू जब जब मुसीबत में पड़ती है, भगवान उसकी किसी ना किसी तरीके से मदद कर ही देते हैं, और हमें यकीन है कि उसके मार्ट साहब भी जरूर उस तक पहुंच जाएंगे। मुंबई से प्रिया ढवले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।